हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबेंसी और एसडीएच। इस वीडियो में मैं आपका जो बाइक है, बाइक में किस क्वालिटी का ऑयल डालना है उसके बारे में छोटा सा टिप्स देने वाला हूँ ऑयल के बारे में। तो पोटोलिन ऑयल को बेस करते हुए, उसको एग्जांपल के तौर पर लेते हुए आपको प्रैक्टिकली दिखा के मैं बताने वाला हूँ कि आप जो गाड़ी का जो आपका ऑयल है वो कैसे आप सिलेक्ट करें जो कि आपकी गाड़ी के लिए बेहतर हो सके। तो तीन टाइप का पोटोलिन का ऑयल मैं लाया हूँ, आप क्लियरली देख लीजिए। तीन टाइप्स मतलब तीनों का ग्रेड सेम है। ये पहला वाला भी 15W50 फुल सिंथेटिक है, ये दूसरा वाला मिडिल वाला भी है 15W50 फुल सिंथेटिक जो कि ईस्टरटेक 4 प्लस का नाम से है, और तीसरा वाला लास्ट वाला है ईस्टरटेक सिंथेटिक 4 प्लस जो उसका ग्रेड भी 15W50। तो तीनों का ग्रेड सेम है, नाम अलग है। नाम क्यों अलग है, और तीनों ही है फुल सिंथेटिक, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल सिंथेटिक, बीच का भी लास्ट का भी, तीनों ऑयल भी है फुल सिंथेटिक, तीनों ही इम्पोर्टेड है, नेदरलैंड का प्रोडक्ट है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो पहले शुरू करते हैं ईस्टरटेक सिंथ 4 प्लस से, ठीक है। ईस्टरटेक सिंथ 4 प्लस पोटोलिन जो कि नेदरलैंड का प्रोडक्ट है फुल सिंथेटिक, इसका फोस्ट्रोक इंजन ऑयल, इसका ग्रेड है 15W50 और इसका पर लीटर का प्राइस है 899 रुपीज़ पर लीटर का प्राइस है 899। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर दो सर्टिफिकेट आता है, एक आता है जासो और दूसरा आता है API। जासो जापान इसका एक सर्टिफिकेट है जो जापान प्रोवाइड करता है, जापानीज जिसका फुल फॉर्म है जापानीज ऑटोमोटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और API और एक तो सर्टिफिकेट है जो कि अमेरिका प्रोवाइड करता है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली हमको API को ही देखना है, API का सर्टिफिकेट ही ज़्यादातर लोग सही मानते हैं, तो हमको API का सर्टिफिकेट ही ज़्यादातर देखना चाहिए हर एक ऑयल में। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आप लोकल ऑयल पे भी आपको मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या नहीं, उनके कंपनी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं, वो जज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए जेन्युइन ऑयल यूज़ कीजिए, चाहे वो कॉस्टली क्यों ना हो, जेन्युइन ऑयल, इम्पोर्ट ऑयल जो कि आपको मतलब ब्रांड के हिसाब से सही लगे, अच्छा वाला ऑयल जिसको बोलते हैं, उन लोगों का सर्टिफिकेट ही सही रहता है। लोकल वाला ऑयल का सर्टिफिकेट शायद नहीं भी रहता होगा या गलत उन लोग डालते होंगे स्टिकरिंग पे। तो API का इसमें मिला है SL का मिला है सर्टिफिकेट, अमेरिका इसको SL देता है। तो थ्री टाइप्स का ऑयल आता है, एक आता है SL ग्रेड का, दूसरा आता है SL, तीसरा आता है SN। तो ये बेसिकली जो SL ग्रेड है ये BS3 पर्पस के लिए, BS3 का जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन है उसके लिए SL यूज़ किया जाता है BS3 के लिए। तो अगर आपका BS3 फोर स्ट्रोक इंजन है तो आप SL कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं, फोर स्ट्रोक पे भी ये यूज हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यूज हो सकता है, ऐसा कोई ज़्यादा इंजन पे कोई हार्मफुल नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो ये SL है, और जापानीज का MA1 आता है, MA आता है और MA2 आता है। तो ये MA2 है, लेकिन MA2 जो है, MA2 उसका जापान का टॉप क्लास सर्टिफिकेट है, तो इसको जापान ने MA2 दिया है लेकिन अमेरिकन ने SL दिया है। तो हमको API को देखते हुए हमको ऑयल सिलेक्ट करना है। तो SL हो गया आपका BS3 के लिए, जिसका प्राइस है 1 लीटर का 899 रुपीज़ SL BS3। BS4 पे भी आप डाल सकते हैं, कोई आपका इंजन में कोई हार्म नहीं होगा। ये गया SL। ये दूसरा वाला, इसका नाम है ईस्टरटेक 4 प्लस, ये भी है, इसका ग्रेड है 15W50 जो पिछले ऑयल का था, इसका भी है 15W50। ये है फुल सिंथेटिक मोटरसाइकिल ऑयल फोर स्ट्रोक, ठीक है। इसका पर लीटर का प्राइस है 949, मतलब उससे 100 रुपये ज़्यादा, 949।
और इसको जासो ने सर्टिफिकेट दिया है MA2 और API ने सर्टिफिकेट दिया है SM। ज़्यादातर SM जो है, SM का सर्टिफिकेट जो है ये BS4 के लिए परफेक्ट सूटेबल है। तो ये जो SM ग्रेड है ये आप BS3 में यूज़ कर सकते हैं और BS4 के लिए ये सूटेबल है जो कि API बोल रहा है। और BS6 पे भी आप डाल सकते हैं, ऐसा इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन BS6 के लिए जो तीसरा वाला ऑयल है वो मैं आपको दिखा के डिटेल बताने वाला, लेकिन BS6 में ये यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, इंजन में कोई हार्नेस नहीं होगा। लेकिन स्पेशली फॉर SM आपका BS4 के लिए फुल सिंथेटिक। तो तीसरा वाला ऑयल देखते हैं, ये तीसरा वाला ऑयल, इसका नाम है एनटेक प्रो आर प्लस 4-स्ट्रोक, वही सेम ग्रेड 15W50 फुल सिंथेटिक मोटरसाइकिल ऑयल 4-स्ट्रोक। और इसका पर लीटर का प्राइस है 1499 1499। इसका MRP है। तो बाकी दो ऑयल के मुकाबले ये इसका MRP बहुत ज़्यादा है, 500 रुपीज़ के आसपास ज़्यादा है। तो इसमें भी आपको जासो का MA2 ग्रेड का साइन मिला है और API ने इसको दिया है SN ग्रेड, SN का सर्टिफिकेट दिया है। SN मतलब सुइटेबल फॉर BS6, BS6 का जो पोस्टोक इंजन है उसके लिए ये फुल्ली सुइटेबल है, फुल सिंथेटिक ऑयल। और एनटेक को जो कि नानो टेक्नोलॉजी है आर प्लस, ये लाटेस्ट मॉडल है BS6 का, जिसके लिए इसका प्राइस हाई है। एनटेक आपका लिखा है इसमें जो एडिटिव दिया जाता है, ये एनटेक का एडिटिव जो कि बहुत कॉस्टली होता है और परफॉर्मेंस भी इसका बहुत बहुत बढ़िया है। BS6 इंजन के लिए ये सबसे बढ़िया ऑयल है, बेस्ट ऑयल फॉर BS6 SN ग्रेड जो है आपका। एनटेक एडिटिव सिस्टम इसमें लिखा ही हुआ है, एनटेक एडिटिव सिस्टम, इसका प्राइस भी है 1499। तो ये भी है फुल सिंथेटिक 4-स्ट्रोक और SN ग्रेड। तो SN ग्रेड का जो ऑयल है ये आप BS3 में यूज़ कर सकते हैं, 4 में भी यूज़ कर सकते हैं और 6 के लिए भी ये बहुत बढ़िया सूटेबल है। तो ये जो चीज़ आपको बताया ऑयल खरीदने के टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑयल जेन्युइन होना चाहिए, मतलब अच्छा क्वालिटी का, अच्छा ब्रांड का होना चाहिए और उसमें आपको ये API वाला सर्टिफिकेट आपको देखना होगा। ऑयल का कोई एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन मतलब 5-6 साल तक अगर ऑयल पड़ा रहा तो मे भी चांसेस है ख़राब होने का, लेकिन ऑयल का कोई एक्सपायरी नहीं रहता है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।